क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2021 आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम. आपको जनरल एंट्री करना है. क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे आप जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश. कॉलम आप बना लीजिएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ 2021 अप्रैल फर्स्ट. रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. उसने कैश से बिजनेस किया तो कैश बिजनेस में आ रहा है. और कहाँ से आ रहा है? कैपिटल से. तो कैपिटल क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट. तो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट. और नरेशन लिख देंगे बींग बिजनेस स्टार्टेड. टोटल अमाउंट है 1 लाख. अप्रैल फर्स्ट के बाद है अप्रैल टू. पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो बैंक रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और इसका नरेशन हो जाएगा बींग कैश डिपॉजिटेड इन बींग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. और टोटल अमाउंट था 20,000. अप्रैल टू के बाद अप्रैल थ्री को बोल रहा है कि ब्रॉड गुड्स फॉर कैश एंड गुड परचेस किया तो गुड्स कम्स इन व्हाट कम्स इन इज डेबिट. तो हम यहाँ परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. और कितना गुड परचेस किया? 50,000. तो 50,000. अप्रैल थ्री के बाद अप्रैल फोर ड्रेव कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए. तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. टू कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से. तो बैंक गिवर है वो क्या हो गया? क्रेडिट. और इसका नरेशन लिख देंगे बैंक कैश विड्रॉ बाय बैंक. बैंक कैश विड्रॉ बाय बैंक फॉर ऑफिस यूज. तो टोटल बैंक से कितना विड्रॉ किया उसने? 10,000 विड्रॉ किया. तो अमाउंट में लिख देंगे हम 10,000. अप्रैल फोर के बाद अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. कृष्णा को गुड्स सोल्ड किया तो कृष्णा यहाँ पे रिसीवर इसलिए डेबिट होगी. तो हम यहाँ लिख देंगे कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और इसका नरेशन हो जाएगा बैंक गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अभी टोटल गुड्स सोल्ड किया इसने 15,000 का. तो यहाँ 15,000 की एंट्रीज हो गई. अप्रैल 13 के बाद अप्रैल 20 ब्रॉड गुड्स फ्रॉम श्याम. ब्रॉड गुड्स मतलब गुड परचेस किया. तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम. नरेशन हो जाएगा हमारा बींग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. बींग गुड्स परचेस्ड बींग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. और ये गुड्स जो परचेस किया है वो 22,500. अप्रैल 20 के बाद में अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स. भाई कृष्णा को मैं सोल्ड किया था कृष्णा गुड्स रिटर्न करेगी तो हमारे पास गुड्स रिटर्न आ जाएगा. इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा. और इसका नरेशन होता है बींग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा. आपको हर पेज का टोटल लगाना है. ये कृष्णा से जो गुड्स रिटर्न आया था वो 2,000 का आया था. जैसे इस पेज का टोटल है तो पहले इस पेज का भी टोटल यहाँ पर लगेगा. उसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं ठीक है. और फिर इसका
टोटल जो भी होता है वो हम अगले पेज में ब्लॉक फॉर्मेट करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल आपको लगाना है। और नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 24 को है कि रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। रिसीव्ड मतलब कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट ही होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हुआ, कृष्णा से, तो कृष्णा गिवर, इसलिए उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। और इसका जो नरेशन होगा वो हो जाएगा बिंग कैश रिसीव्ड, बिंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट, बिंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो कैश जो रिसीव हुआ वो 12,500 हुआ, 500 डिस्काउंट था, तो टू कृष्णा 13,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 28 पेड कैश टू श्याम, श्याम को पेमेंट करा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बिंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट, बिंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने कितना पेमेंट करा भाई यहाँ पे श्याम को, 21,500 का और 1,000 डिस्काउंट है, तो टोटल 22,500 श्याम का हमारा पेमेंट हो गया। अप्रैल 28 के बाद ही अप्रैल 30 सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। अब कैश में सोल्ड किया तो नाम से कोई मतलब ही नहीं है, कैश आएगा इसलिए कैश यहाँ पे क्या हो गया डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका जो नरेशन हो जाएगा वो है बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब कैश में सोल्ड करते हो तो नेम से कोई लेना देना नहीं। और ये हुआ हमारा 80,000। अप्रैल 30 के बाद फिर अप्रैल है पेड रेंट, रेंट एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड और अमाउंट पे 5,000। एंड लास्ट एंट्री अप्रैल 30 की है पेड सैलरी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे, तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सैलरी पेड। तो ये हमारा क्वेश्चन 10,000 इसका अमाउंट था। फिर आप इस पूरे क्वेश्चन का टोटल भी आपको लगाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने 12 नंबर क्वेश्चन कराया, आप 13 और 14 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें कई प्रॉब्लम आती थी आप मुझसे पूछिएगा, तो 13 14 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में भी ये ज्योति भी एंट्रियाँ लगभग हम सारी कर चुके हैं, तो ये भी आपको ही करना है। और 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको करना है, इतने क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो यह सब आपके लिए होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन और करूँगा, बाकी जनरल के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक। तो बचेंगे जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए हम यहाँ पर होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। एक दिन वो जनरल कराएंगे, कल 17-18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क करेंगे, ठीक। 3-4 क्वेश्चन होमवर्क है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं, रिलेशन क्वेश्चन विथ मिसिंग वैल्यू, तो ये मिसिंग वैल्यू वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी हमको नरेशन को पढ़ के इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो बाकी इसका ऊपर कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।